हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल कैट 6 केबल का, लैन केबल का टर्मिनेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। साथ के साथ में लैन केबल को हम कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारा लैन केबल ओके है या नहीं है, ये मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले नंबर मैं आपको इससे बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना बिल्कुल ही ना भूले, ताकि इन फ्यूचर मेरी कोई भी वीडियोस आती है आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मैंने यहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज में लिया है वो मैंने तीन इक्विपमेंट को यूज में लिया है। पहला जो इक्विपमेंट है ये, इसको कहते हैं हम RJ45 क्लिंपिंग टूल्स। ये दूसरा जो है ये है RJ45 कनेक्टर जो कि आपको दिख रहा है, एंड थर्ड जो आपको दिख रहा है ये लैंड केबल टेस्टर है। तो दोस्तों, मैं इन तीनों के माध्यम से अभी आपको टर्मिनेशन करना भी सिखाऊंगा, साथ के साथ मैं आपको इसको कैसे टेस्ट करते हैं ये भी करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले नंबर दोस्तों, टर्मिनेशन करने से पहले आपको मैं केबल दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो केबल है ये है लैंड केबल RJ45 का। आगे लाओ, ये जो दिख रहा है आपको लैन केबल है हमारा RJ45 का, जो है कैट 6 केबल है ये, ठीक है दोस्तों, डीलिंग का। मैं इस केबल को जो है सबसे पहले नंबर फर्स्ट स्टेप इसको हम कट करेंगे। कट करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिंपिंग टूल में हमारा ये देखिए, यहाँ पे इस होल में हमें यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक ब्लेड लगा होता है। इस ब्लेड के नीचे मैं इसको ऐसे रखूंगा, इस तरह से हल्का सा इसको घुमा दूंगा, मूव करूंगा। मूव करते ही दोस्तों यहाँ पे इस तरह का एक कट बन जाता है। इस कट का भी यूं करेंगे और इसको रिमूव कर लेंगे। तो मैंने इसको यूं करके इसको रिमूव कर लिया। दोस्तों रिमूव करते ही यहाँ पे कलर कोडिंग में बहुत सारे वायर निकल के आएंगे आपको, ठीक है। मैं वायर भी काउंट करके आपको दिखाता हूँ कितने वायर आएंगे। तो देखिए, एक है ब्लू एंड ब्लू वाइट, ब्राउन एंड ब्राउन वाइट, ग्रीन एंड ग्रीन वाइट, ऑरेंज एंड ऑरेंज वाइट। इसको हम कट कर लेंगे बीच वाले को। दोस्तों कट करने के बाद में अब हमें दूसरा जो स्टेप करना है, इन जो वायर है इन सब वायरों को हमें इनसे बाहर निकाल करके बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर लेना है सबको। तो मैंने पहले इसको निकाला और इसको सीधा किया, नेक्स्ट मैंने ग्रीन एंड व्हाइट को निकाला और इसको सीधा किया। दोस्तों इन सब वायरों को सीधा करने के बाद में सब वायर को कोर में मिला लेना है, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान देना है कि कोई वायर आपका जो है बिल्कुल टेढ़ा ना हो, उसको बिल्कुल सीधा कर ले ताकि जैक करने जाके आराम से ये बैठ सके। टेढ़ा है तो उसे सीधा कर ले बिल्कुल। दोस्तों अब ये मेरा वायर जो है ये करीब करीब सब सीधा हो गया है। अब इसे हम सिक्वेंस में ऐड कर लेंगे, जमा लेंगे सिक्वेंस में। मैंने इसको सिक्वेंस में जमा दिया, ठीक है दोस्तों। सिक्वेंस में करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे एक कट करनी है। पहले बिल्कुल बराबरी में करके मैं ये कट कर दिया, वायर हमारे हो गए कट। वायर कट करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसे RJ45 कनेक्टर के अंदर में यहाँ पे हमें इसे पुश करनी है अंदर। ये मैंने RJ45 के अंदर में इसको पुश किया है, लेकिन एक्चुअली देखो मेरा फिर से वायर जो है ये टेढ़ा हो गया है। तो ये हमें सबको सीधा करके ध्यान में रखना है। ये मैंने बिल्कुल सीधा किया और इसे पुश किया अंदर, ठीक है। जब भी आप कनेक्ट करेंगे आपको कलर कोडिंग ध्यान में रखना है कि आपका जो भी कलर कोडिंग है बोथ साइड सेम होना चाहिए। मैंने इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग सेम करके इसको अंदर पुश किया है। ये केबल मेरा अंदर पुश हो गया, पूरा अंदर तक चला गया है, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से हम अंदर तक एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अंदर तक एडजस्ट करने के बाद में अंदर तक हम एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों, कुछ वायर हमें इस तरह से दिखेगा आपको, जैसा दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में। अब इसे हम क्या करें, क्लिंपिंग टूल की मदद से इसे हम जैक को अंदर घुसाएंगे इसके अंदर। और ये क्लिंपिंग देखो, यहाँ से ये क्लिंपिंग हम इसको क्लिंपिंग कर देंगे बिल्कुल। ये क्लिंपिंग किया, जैसे क्लिंपिंग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो दिख रहा है प्लेट है, वो प्लेट सारा का सारा अंदर दब गया है, हमारा वायर इसके ऊपर में दब चुका है बिल्कुल ही। तो चलिए, मैंने एक क्लिंपिंग कर लिया है और एक क्लिंपिंग मैंने ऑलरेडी पहले से करके रखा था। नेक्स्ट मूव जो है मैं, ये दोनों मेरा क्लिंपिंग रेडी हो चुका है। अब जब दोनों को आप देखेंगे बिल्कुल पास से देखेंगे बिल्कुल, तो
ये देखिए दोनों का कलर कोड सेम है, ग्रीन पहले है, ग्रीन प्लस व्हाइट पहले है, उसके बाद ऑरेंज प्लस व्हाइट पहले है, ब्लू प्लस व्हाइट पहले है, उसके बाद ब्राउन प्लस व्हाइट पहले है। तो चलिए ये दोनों मेरा क्लियर हो चुका है, अब इसको हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारा ये ओके हुआ है या नहीं हुआ क्लेम पे। तो दोस्तों टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले नंबर तो हमें एक्स्ट्रा का एक लैंड टेस्टर हमें लेना पड़ेगा, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लैंड टेस्टर 250-300 रुपये करीब में मिल जाता है। ये लैंड टेस्टर में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी हमारा वायर होगा, जिस साइज़ का भी हमारा वायर होगा, उस साइज़ के वायर को हम यहाँ पे लैंड टेस्टर में लगाएंगे। तो मेरा RJ45 है, RJ45 में हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। ये लैंड टेस्टर खुलता भी ओपन भी होता है। ये ओपन होने का मकसद ये है कि अगर आप फील्ड में कर रहे हैं तो फील्ड में भी दोनों सिरों को आप लगा के चेक कर सकते हैं। मैंने दूसरे एंड पे यहाँ लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमें दोनों में क्या देखना है कि जब हम मैं ऑन करूँगा तो दोनों में सेम लाइट ब्लिंक करनी चाहिए। अगर सेम लाइट ब्लिंक करता है तो मतलब कि हमारा बिल्कुल ओके है, अदरवाइज हमारा ख़राब है। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। मैंने इसको ऑन किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 चल रहा है, यहाँ 4 चल रहा है, 5 में 5 चल रहा है, ठीक है, 7 में 7 चल रही है। फिर से देखिए, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर से मेरे ख्याल 1, 2, 3, 4, 5, 7, मतलब हमारा यहाँ पे जो है 6 वाला कोड कनेक्टेड नहीं है, 6 वाला कोड जो है हमारा इंटरचेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा ये काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि दोनों में सीक्वेंस सेम सीक्वेंस आ रहा है, दोनों जगह पे ही मैंने कुछ चेंजेस कर दिया है, इसलिए सीक्वेंस हमारा सेम आ रहा है। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको स्ट्रेट टू ज्वाइंट एंड क्रॉस कनेक्शन कैसे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।